हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? आई होप के भाई आप सभी भाई ठीक होगे और खैरियत से होगे। तो गाइस, आप लोग देख रहे होगे और सोच रहे होगे कि सबूर भाई ये तुम कहां पर ले आए, ऐसी जगह तो पहले तुम कभी नहीं लाए। तो गाइस भाई, मैं आप लोगों को लाया हूं समीर भाई के घर पे, जो कि ये रहे भाई समीर भाई। भाई कितने साल के हो तुम? 17 साल के हो। तो ये लॉफ्ट तुमने खुद ही बनाया है? जी। तो भाई कितना खर्चा आया, कुछ अंदाजा बता सकते हो? आया लगभग 4000 रुपये। 4000 रुपये सीमेंटेड ईंट वीट सब कुछ ला के, है ना? तो गाइस, आज की ये वीडियो में भाई आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं समीर भाई के कबूतरों का शौक करवाऊंगा। मैं आया था भाई इनके लॉफ्ट पे विजिट करने, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भाई कबूतरों का शौक कर रहा हूँ। इससे पहले क्या है कि नीचे इनके रूम में अब पूरा रूम दिया था, उसमें कबूतर पले थे, लेकिन अब इनने भी भाई थोड़ी तरक्की कर ली, सोचा भाई लॉफ्ट बनाए, क्योंकि इन पे भी शिराजी आ गए थे। वो जब किसी भाई पे शिराजी आते हैं तो गाइस वो चाहता है कि वो लॉफ्ट को अच्छा और बड़ा कर ले। तो बाकी देख सकते हो गाइस कितना बेहतरीन लॉफ्ट है भाई। 4 फिट का लग रहा है मेरे हिसाब से, 4.5 फिट का लग रहा है गाइस मेरे हिसाब से, और अंदर से भी काफ़ी बड़ा लॉफ्ट है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये देखना गाइस, ये देख सकते हो गाइस। और इनके पास भाई जितने भी कबूतर हैं, फैंसी में भी हैं और हाई फ्लायर में भी हैं, तो मैं आपको सभी का शौक करवाऊंगा। देख सकते हो भाई आप लोग, तो मैं एक एक करके गाइस आपको सभी का शौक करवाऊंगा और कबूतरबाजी भी करेंगे। और गाइस काफ़ी टाइम से वीडियोस भी नहीं आ पा रही थी, तो उसका रीज़न ये गाइस बारिश भी हो रही है और मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कम कबूतर हैं, तो मैं नहीं चाह रहा कि भाई आप लोग बोर हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समीर भाई के कबूतरों का शौक करवाऊंगा और पूरा लॉफ्ट भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी भाई नए हैं मेरे चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए भाई आपको मैं एक एक करके करवाता हूँ सभी कबूतरों का शौक। तो गाइज मैंने समीर भाई को बोल दिया है कि यार वो एक एक करके जोड़े बताते जाएं और शौक भी करवाते हैं। और गाइज हर कबूतर की एक एक कहानी है, जो कि काफ़ी कहानी है, तो मुझे पता है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं वो कौन सा अपना पैर लाते हैं, पहला पैर, तो मैं आपको शौक करवाऊंगा। बाकी इनकी आप लोग ये छत भी देख सकते हो, और आसपास भाई पहाड़ भी हैं, तो काफ़ी बेहतरीन लगता है और यहाँ से भी काफ़ी बेहतरीन कबूतरबाजी होती है। तो गाइज सबसे पहले भाई ये मुखी लग रहा है ना? गाइज ये जो आपने मेरा मुखी देखा है, जो कि भाई हम रिजवान भाई से लाए थे, तो उसको क्रॉस होके गाइज ये बच्चे निकले हैं, मतलब ये उसी के मतलब बच्चे हैं, पोते बोल सकते हो। और इससे इनने कम से कम भाई 20-30 मुखी कर लिए थे, एक बार मैं ही साथ खरीद के लाया था, जो कि मैं सेल कर दिए थे। तो भाई पहला प्यार ये मुखी का है, मेल कौन सा है ये जी। और ये फीमेल है, नीचे रख के बताना भाई। तो गाइज देख सकते हो ये पहला प्यार है भाई। दूसरा प्यार ले आना, देख सकते हो गाइज बहुत ही बेहतरीन कांटा भी है इनका, और ये 2 बाज में मुखी प्यार है, जो कि बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह से, देख सकते हो आप लोग। तो भाई दूसरा पैर लेके आना। तो भाई अब दूसरा पैर लेने गए, जब तक आप लोग भाई अच्छे से ये पहला पैर देख लो, जो कि मुखी था, काफ़ी बेहतरीन, और फैंसी में भी हैं, शिराजी में भी हैं, और हाई फ्लायर में भी हैं कुछ। बाकी भाई ये सफ़ेद वो पैरमोच पैर है, जो कि छोटी चोंच में है, जो कि भाई काफ़ी खूबसूरत पैर है माशाल्लाह, देख सकते हो, उससे बिल्कुल सफ़ेद बेदाग कबूतर। भाई इसको भी नीचे रख के बता दो, बहुत बेहतरीन जोड़ा है ये भी, ये देख सकते हो गाइस, ये फुल वाइट पेयर है गाइस, बहुत ही बेहतरीन। एक टाइम पे हमने मांगा था इनसे, तो जब इन्होंने भाई दिया नहीं था, क्योंकि इनको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद था। ये देख सकते हो, ये रहा गाइस इनका सेकंड पेयर, जो कि ये भी भाई बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह से, और मुझे लगता है अब इनने भी भाई क्वालिटी कर ली है। पहले क्या है, मतलब जो आता था वो रखते आते थे और सभी पाल लेते थे, लेकिन मैंने कहा भाई आप सिलेक्टेड रखो, जो थोड़ी क्वालिटी बढ़ेगी तो मज़ा आएगा कबूतरबाजी में। तो भाई मेरे हिसाब से इनने क्वालिटी कर ली है, क्योंकि जो इनने 2 पेयर दिखाए वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, देख सकते हो कांटा भी नहीं रुकता इस मुखी का माशाल्लाह से। ये क्या है भाई? ये मुखी के मतलब क्रॉस के बच्चे हैं, ये तो 2 बाज टाइप में है, कांटा करता है? नहीं नहीं करता। तो गाइस ये 2 मेल है ये, गाइस ये रहा मेल 2 बाज ब्लैक, और ये फीमेल, गाइस ये पीलंग की चोटी प्लस पावमोच में फीमेल है, देख सकते हो आप लोग। तो ये पैर भी भाई एक तरह से फैंसी बोल सकते हो आप, नॉर्मल फैंसी पैर है ये, तो काफ़ी बेहतरीन है ये भी माशाल्लाह से। तो गाइस देख सकते हो 6 पैर दिखा दिए हैं मैंने आप लोगों को, और धीरे धीरे भी आप लोग वीडियो में बने रहना, मैं आपको और अच्छे अच्छे पैर दिखाऊंगा, धीरे धीरे वो और भी अच्छे अच्छे पैर लाते जाएंगे और बताते आएंगे भाई आपको। तो गाइस ये पैर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एक मतलब नॉर्मल बंदा जो फैंसी पालता है भाई, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, आप देख सकते हो वाइट आइज़ में लाल डोरों में मेल, बहुत पुराना कबूतर है, बहुत ही बेहतरीन कलर है इसका, येल्लो देख सकते हो, येल्लो 2 बाज चोटी पावमोच से और ज़्यादा खूबसूरती बढ़ जाती है, और सफ़ेद चोटी पैरमोच इससे मादी लगी है भाई, बहुत ही बेहतरीन जोड़ा है ये वाला। तो ये भी मैं मांग चुका मेल इनसे काफ़ी बार, इनने नहीं दिया था, क्योंकि यार जब हम भी फैंसी पालते थे तो भाई ये कलर कोई नहीं छोड़ता यार, कोई भी फैंसी वाला इतना बेहतरीन कबूतर तो भाई कभी नहीं छोड़ेगा। तो बहुत ही प्यारा प्यारा ये भी,
और बाकी देख सकते हो भाई सभी कबूतर मस्त आ रहे हैं बढ़िया धूप में, और अभी इनको दाना पानी भी करेंगे। ये देख सकते हो भाई ये रहा हाई फ्लायर्स का पेयर, मादा ये गाइस हतन में ये फीमेल है और ये मेल है। मैं इसकी आँख का आप लोगों को एक बार क्लोजअप शॉट दिखाता हूँ, ये देख सकते हो गाइस ये मेल की आँख भाई ये बहुत बेहतरीन है, और ये देख सकते हो गाइस ये रही फीमेल की आँख ये भी बहुत बेहतरीन है। तो भाई इसको भी रख दो गाइस, ये देख सकते हो परबन है गाइस, देख सकते हो ये हाई फ्लायर्स का पेयर है जो कि वाइट छीटेदार मेल है जिसको आप छीटेदार ही बोलोगे, गले पे कुछ छीटे हैं, और हतन बोलते हैं गाइस इस रेड फीमेल को तो जो कि हतन में है, तो वो फीमेल है इनके पास भाई बहुत बढ़िया। धीरे धीरे भाई इन पे भी आती आ रही है क्वालिटी। कौन सा यही हतन वाला गाइस सबसे पुराना जोड़ा है, वो बोल रहा है कि भाई उनका हतन वाला जोड़ा सबसे पुराना है। और आपको हरा कबूतर गाइस आपने काफ़ी देखे होंगे, मैं मुझे भी काफ़ी पसंद आया, एक हरा कबूतर की आँख का शौक करो सबसे पहले आप। ये देखो भाई माशाल्लाह कितनी प्यारी आँख है भाई इसकी, और ये दो बास फीमेल जी। ये तो गाइस मको आँख की फीमेल है, तो इसको मैं आँख तो बता नहीं सकता लेकिन बार में है ये देख सकते हो आप लोग, दो बास नॉर्मल दो बास मेल फीमेल है सॉरी, और वो जो हरा है ये मेल है भाई, ये बहुत बेहतरीन लग रहा है इनका हरा कबूतर देख सकते हो आप लोग, माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन ये पेयर है, ये भी पेयर काफ़ी अच्छा है। और ये आ गया वही मेल जो कि मुझे भाई काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और उसका सीना भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है भाई। अब क्या लाए हो ये क्या है, ये तो सादे देसी है ना जी, तो एक निराग दिखा दूँ इसकी गाइस, देख सकते हो ये देसी में है सादे कबूतर जो कि नॉर्मल कबूतर है भाई, ये ब्लैक है और वो दो बास है। चलो ठीक है भाई दूसरा पेयर ले आओ। और गाइस काफ़ी भाई समझेंगे कि यार ये सेल वाले हैं गाइस, ये सेल के लिए तो कुछ भी नहीं है, अभी भाई ये कुछ दिन पहले ही गए थे मतलब भोपाल के मार्केट, तो वो 15 एक कबूतर बोल रहे हैं कि यार वो सेल कराए, तो मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, अपन शौक तो करवा ही देते हैं जो कि अपन शौक करवाने आए हैं। तो अब गाइस मैं आपको शौक करवाता हूँ शिराजियों का जो कि ये प्रकाश भाई से लाए थे। तो ये रेड मेल है गाइस, देख सकते हो रेड साफ सुथरा मेल रखा है माशाल्लाह से, और ये तो यार शिराजी नहीं है जी, आप वो वाली माते नहीं किरा सिंह है। अच्छा अच्छा वो बिना पैर मोच वाली, अच्छा इसकी जोड़ लगा ली रख के बता दो नीचे। तो गाइस ये रही फीमेल भाई बिना पैर मोच, वो शिराजी नहीं बोलेंगे लेकिन ये मेल ज़रूर शिराजी है क्योंकि ये प्रकाश भाई से लाए थे, और आपको अलग ही समझ आता है भाई शिराजी क्या होता है, और वो तो यार सादी सी मादी है बस मार्किंग शिराजी वाली है, आपने काफ़ी वीडियो में देखा होगा बिना पैर मोच के जो शिराजी टाइप होते हैं ये उस टाइप की है, शिराजी नहीं है वो। तो मैं अब आपको और कबूतर बताता हूँ जो कि इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी बेहतरीन है। तो ये रही दो बास, ये तो पट्टा है भाई, ये भी पट्टा है ना गाइस, ये इनके घर का पट्टा है लेकिन इसका कलर काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, आप लोग देख सकते हो स्लेटी कलर में है, छोटी भी है जी। या ये मारपिटा है नहीं छोटी है ना, तो गाइस देख सकते हो ये भी काफ़ी बेहतरीन है, दिखाना भाई मैं इसको एक बार ऊपर रख के आप लोगों को बता देता हूँ फिर आप खूबसूरती देखना। अरे वो उड़ ही गया गाइस, देख सकते हो भाई इसका कलर और बार में भी है स्लेटी में, काफ़ी बेहतरीन है ये भी माशाल्लाह से। हाँ वो लेके आओ गाइस, अब शौक करो भाई आप लोग शिराजी के बच्चे का, इसको ऊपर रख दो मैं आपको ऊपर रख के दिखा दे, ये भी घर का निकला हुआ है लेकिन पॉक्स हो रहा है इसके, तो आप लोग देख सकते हो गाइस ये भी काफ़ी बेहतरीन बच्चा है माशाल्लाह से, ये शायद चेकर्स में निकलेगा है ना। हाँ देख सकते हो गाइस ये भी बेहतरीन मतलब बेहतरीन शिराजी मार्किंग में आया है, साइज शायद थोड़ा सा कम रहेगा इसका। तो गाइस एक ये ब्लैक, ये भी नए पट्टे हैं ना गाइस, ये देख सकते हो भाई ब्लैक पट्टे काफ़ी खूबसूरत हैं, ये भी प्रकाश बड़े प्रकाश भाई से लाए थे बड़ी जोड़, तो ये उससे निकले हुए पट्टे हैं, ये भी काफ़ी बेहतरीन है भाई, रख दो इनको भी। ये देख सकते हो गाइस ये रहा है भाई ब्लैक शिराजी पट्टे चेकर्स में। तो गाइस भाई अब शौक करो आप लोग, रेड पट्टा है ये भी, वजन कैसा है इसका, कलर भी काफ़ी बेहतरीन, ये किससे रख के निकला है भाई, रेड और ब्लू बार से गाइस, देखो रेड और ब्लू बार इनने लगाया था, तो कितना बेहतरीन पट्टा है, और प्रकाश भाई की यहाँ की ब्रीडिंग भी अच्छी है तो ये उन्हीं की यहाँ की मतलब ब्लड लाइन चल रही है, बाकी कलर काफ़ी डार्क में रेड है यार इसका, बेहतरीन लग रहा है गाइस, इसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा सही है देख सकते हो आप लोग माशाल्लाह से, तो काफ़ी अच्छा अच्छा कलर भी अच्छा है इसका माशाल्लाह, और साइज़ में भी अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद आया ये पट्टा। और गाइस एक और चीज़ बता रहा हूँ उससे पहले भाई, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर दो। अब बहुत बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ आपको भाई, ये रहा ब्लैक फेंटेल, अब ये नहीं पता मेल है या फीमेल क्योंकि पट्टा है, लेकिन आप टेल देखो गाइस इसकी कितनी ज़्यादा घनी है माशाल्लाह से, और ये इतना सा है कहीं से भाई बच्चा लाए थे शायद है ना, दो 15 एक दिन का, उसके बाद इनने वो जो रेड खतन है उससे ही पलवाया था ना गाइस, अभी जो रेड खतन दिखवाई थी उससे पलवाया था, और इनने भाई घर में बना ली भाई, बनाने वाला कुछ भी बना लेता है कैसे भी,
इतने से बच्चे से गाइस देख सकते हो कितना बेहतरीन लखा है ये, और काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, और इसकी टेल भी काफ़ी अच्छी है, और भाई ब्लैक की अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही है मैंने देखा है अभी, तो काफ़ी बेहतरीन है भाई ये भी पट्टा देख सकते हो माशाल्लाह। और देखो इसकी टेल भी काफ़ी सही है, कांटे में भी है, और मतलब इसकी जो मुंडी है वो टेल से टकरा रही है, वो खैदर भी इसके भाई काफ़ी सही हैं। चलो इसको उड़ा देते हैं, ये गया। और बचा है कुछ भाई? बहुत है, चलो और लेके आओ फिर। और गाइस भाई इनके पास गाय भी पली हुई हैं और बकरियां भी पली हैं, देख सकते हो इनका बाड़ा है छोटा सा, तो इसमें भाई बकरा बकरी भी हैं और गाय वगैरह भी हैं। और ये है गाइस रेड मेल, जो कि भाई काफ़ी हैवी है, इसके डोरे भी दिखा देता हूँ आपको, अगर आप लोग को दिख जाए क्लियर तो, ये देख सकते हो भाई डोरे में है। और ये रही भाई ब्लू बार फीमेल, जो कि आपको भाई क्लियर दिख रही होगी, फोकस कर देता हूँ। तो ये जोड़ा है ना वो रेड बच्चा डार्क इन्हीं का निकला है गाइस, बहुत बेहतरीन मार्किंग में निकला है, इसके ज़रा सी फी मिस मार्किंग है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, क्योंकि अभी आपने भाई बच्चा देखा, बच्चे में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड लाइन से फ़र्क पड़ता है, तो भाई इसको भी आप रख दो। तो गाइस ये देख सकते हो ये रही ब्लू बार फीमेल काफ़ी अच्छी मार्किंग में, और ये रहा भाई काफ़ी हैवी साइज़ में, मतलब सबसे बड़े साइज़ का इनकी यहाँ का शिराजी मेल, और इसका कलर भी गाइस काफ़ी ज़्यादा डार्क है, वो ज़रा सी मार्किंग में प्रॉब्लम है, लेकिन भाई बच्चों में नहीं निकाल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इतनी कोई इतनी आपको लग नहीं रही होगी माशाल्लाह। भाई ये जोड़ भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, काफ़ी अच्छा जोड़ा है गाइस ये भी। तो प्रकाश भाई की यहाँ की है गाइस, बड़े प्रकाश भाई की यहाँ भी मैं आपको ले आ चुका हूँ, जब मैं ब्लू बाल लाया था जिनसे, तो ये उनकी यहाँ की एक ब्लैक जोड़ लाए थे, जब मैं ब्लू बाल लाया था 50,000 सब्सक्राइबर पे, तब ये उसके दो दिन बाद ये ब्लैक जोड़ लाए थे, और आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ गाइस, ये है चेकर्स में देख सकते हो गाइस माशाल्लाह से, तो ये मेल है जी, इसके डोरे देखा हूँ, ये देखो गाइस काफ़ी बेहतरीन काफ़ी हेवी मेल है। और ये रही गाइस उसकी फीमेल, जो कि काफ़ी लाइट चेकर्स में है, और बच्चे गाइस ये शायद ब्लू बार कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि चेकर्स से भाई जोड़, तो यार इसको भी रख के बता दो, ये देख सकते हो गाइस ये भाई बहुत हेवी जोड़ा है, काफ़ी हेवी साइज़ में है माशाल्लाह से, तो आप लोग भाई देख सकते हो ये मेल है और वो फीमेल है। और भाई ये रहा रेड पेयर, और सभी पेयर दिखा दिए ना, तो गाइस बाकी छोटे मोटे बच्चे हैं तो वो तो अभी आपको समझ में आएंगे नहीं, और बाकी देख सकते हो बढ़िया धूप है भाई, दाना वाना भी डाल दो और क्या, कबूतरों को वो लखा मुझे काफ़ी पसंद आया गाइस इनकी यहाँ का, और वो कहाँ गया, वो एक पिंक अपना पीले कलर का था, वो भी पता नहीं अंदर चला गया शायद, अंडों पे है इसलिए गाइस वो अंदर चला गया है। और बाकी गाइस जितने भी कबूतर थे मैंने भाई आपको सभी कुछ दिखा दिए हैं, और भाई सभी का अच्छे से आप लोगों को शौक भी करवा दिया है, बाकी अपन ने दाना भी डाल दिया है देख सकते हो, आ आ आ आ आ, तो भाई सभी कबूतर आ गए हैं दाना खाने माशाल्लाह से। और अभी आप देखना गाइस वो मुखी हैं, देखो वो मुखी भी आ रहा है कांटा करते हुए, तो भाई ये जोड़ा भी दो बास में मुखी काफ़ी बेहतरीन है। और अभी तो इनके पास भाई इतने ही कबूतर थे, जो कि मैंने सभी बताए और सभी का शौक करवाया माशाल्लाह, भाई सभी कबूतर एक नंबर हैं, और धीरे धीरे भाई इनने भी क्वालिटी कर ली है माशाल्लाह से। तो गाइस आज की इस वीडियो में तो भाई बस इतना ही, आपने ये सभी कबूतर देख लिए और सभी का शौक भी कर लिया, तो भाई धूप थोड़ी ज़्यादा है इसलिए थोड़ी आइस खुल नहीं पा रही है, तो भाई मैंने आपको सभी कबूतर बताया और उनका शौक भी करवा दिया। तो गाइस आज मतलब मैंने सोचा यार कुछ अलग करूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया था आप लोगों को वीडियो बनाने, और मैंने सोचा आप लोगों को भी भाई सभी कुछ बताएंगे कि रायसेन में एक घर और है और एक लॉफ्ट और भी है जिनके पास अच्छे कबूतर पले हुए हैं, और रायसेन फोर्ट आपको भाई दिख ही रहा होगा यहाँ से कम 3 किलोमीटर दूर है, मेरा घर भी यहाँ से भाई 3 किलोमीटर दूर है। तो आई होप कि भाई आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इनके कबूतर भी, वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम मेरे दो हैं, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो दोनों से फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक बात, और एक भी कबूतर भाई सेल्स के लिए नहीं है, तो ये कोई मैसेज मत करना कि सेल वाला है मुझे चाहिए, नंबर दे दो, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।